जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पारिजात वृक्ष के बारे में। यह पारिजात का वृक्ष स्वर्ग से धरती पर कैसे आया, माना जाता है बहुत चमत्कारिक होता है पारिजात का वृक्ष। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न समुद्र से बाहर आए थे, उसमें से एक पारिजात वृक्ष भी था। इस वृक्ष को देवराज इंद्र द्वारा स्वर्ग में स्थापित किया गया था। पारिजात के वृक्ष का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भारतवर्ष में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिन्हें बेहद अद्भुत और पवित्र माना जाता है। इन पेड़ पौधों के बारे में रोचक कथाएं भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। मान्यताओं के अनुसार कुछ पेड़ पौधों की पूजा करने से मनचाही इच्छा पूरी की जा सकती है। ऐसे ही एक पौधा है पारिजात का। कहा जाता है कि पारिजात का पौधा धरती पर स्वर्ग से आया था। पारिजात के पौधे के बारे में विख्यात है कि यह किसी भी हृदय रोग को खत्म कर सकता है, ठीक कर सकता है। इसके अलावा ये अन्य कई बीमारियों में भी उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पारिजात के पौधे की धरती पर उत्पत्ति के विषय में अनेकों कहानियां प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पारिजात के पौधे की कथा कुछ इस प्रकार है। देवताओं और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से 14 रत्न बाहर निकले, जिनमें से एक पारिजात का वृक्ष भी था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसे स्वर्ग में स्थापित करवाया। कालांतर में भगवान कृष्ण ने राजा इंद्र से इसका एक बीज लेकर उसको अपनी पत्नी देवी रुक्मणी को उपहार के स्वरूप दे दिया। समय के साथ साथ यह पौधा बड़ा हुआ और जब इसमें फूल आने लगे तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसे में नारद मुनि ने भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को उकसाया कि कृष्ण ने ये इतना गुणकारी पौधा देवी रुक्मणी को उपहार में दिया है और आपको नहीं दिया। सत्यभामा इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने ही कृष्ण से पारिजात का पेड़ लाने की जिद पकड़ ली। देवी सत्यभामा की बात को मानते हुए भगवान कृष्ण ने इंद्र पर हमला किया और पारिजात का पेड़ इंद्रलोक से लाकर सत्यभामा को दे दिया। जब भगवान कृष्ण ने पारिजात के वृक्ष को अपने साथ धरती पर ला रहे थे, तब देवराज इंद्र ने पारिजात के पौधे को श्राप दिया कि इस पेड़ के फूल सिर्फ रात में खिलेंगे और इस पेड़ पर कभी भी फल नहीं आएंगे। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म में पारिजात के पौधे को बेहद ही गुणकारी पौधा माना जाता है। वैसे तो पारिजात का वृक्ष भारत की किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इस पेड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हर्ष श्रृंगार, पारिजात, प्रजक्ता, शेफाली और शिवली। पारिजात वृक्ष के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस को बनाने का और अपलोड करने का।